केंद्र सरकार के आह्वान पर आज अंबाला में भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ गांव खतौली स्थित सरकारी स्कूल में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहे। इस यात्रा में कृषि विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बिजली वितरण निगम, परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फूड एंड सप्लाई, आयुष विभाग व स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने संविधान में कहा कि केंद्र और राज्य में सरकार विकास के कार्य कर रही है। आज सरकार हर गांव में खुद चलकर आई है। विज ने मंच से कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य चेकअप करवाएगी ताकि बीमारी का पता लगा इलाज किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि अब सरकार खुद आपके दरबार में आएगी। हर गांव व हर शहर के प्रत्येक वार्ड में कैंप लगाया जाएगा। विज ने कहा कि सरकार ने 2047 तक अपने देश को विकसित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक, जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। उसके लिए सारी योजनाओं को, सारा जो सोचना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। तो आज ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर कोई रह रहा है तो आज सरकार आपके द्वार आई है। सारे लगभग 20 विभागों ने यहाँ पर अपने अपने कैंप लगाए हैं। अगर किसी का राशन कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी का पीला कार्ड बनना है, या कोई भी जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी सरकार की इस संकल्प यात्रा को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक सरकारी सुविधा पहुंचाना है। हर व्यक्ति को इनका लाभ मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पे काबिज होए, उसके उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था कि किस तरीके से सरकार लोगों के बीच में जाए और एक नया तरीके का चलन शुरू किया है जिस कार्यक्रम द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि लोग, सरकार के अफसर, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्या समझें और वहीं मौके पर समाधान भी करें और उनको जानकारी मिले कि जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उनका फायदा लोगों को कैसे मिल रहा है, या लाभार्थी अगर उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे तो उन तक वो फायदा कैसे पहुंचे, इस सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये भारत के सारे गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है जनवरी के आखिर तक। तो मैं इसकी बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि एक ऐसा, पहली बार किसी सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहाँ लोगों के बीच में जाकर उनकी चिंता करने का काम। सर, ये प्रथम चरण चल रहा है, चलेगा, जैसे हरियाणा के अंदर सारे के सारे गाँव कवर होंगे, वैसे पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने गाँव हैं उनको भी कवर करने की योजना बनाई गई है, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी किया है। और मैं मानता हूँ कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जब सरकार आपके द्वार जा रही है और आपकी समस्या समझने की कोशिश कर रही है और उनका समाधान भी वहीं से करने की। 2024 में कितना लाभ इससे मिलता हुआ नजर आता है? ये नीतियां सिर्फ चुनाव को माइंड में रखते हुए नहीं की जाती हैं। जब आप सरकार अपना लेखा जोखा लेके जा रही है लोगों के बीच में कि 9 साल के क्या कार्यकाल रहा, शायद 9 साल से भी ऊपर हो गया है, और 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है, लोगों के प्रति उनकी क्या संवेदना है और उन लोगों को क्या दिक्कतें समस्या आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसको सिर्फ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, इसको ये भी देखना चाहिए कि सरकार ने किन नीतियों के ऊपर काम किया है और लोगों की का भला करने का क्या कितनी प्रयास कर रही है और जो रह गए हैं वंचित किसी कारण से उन तक पहुंचने की कोशिश। ये सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर और तकनीकीकरण को लेकर काफी आगे रही है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो और भी बैंकिंग सिस्टम की बात हो, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम हो। अब ये जो ड्रोन की नई ये स्कीम आ जाई है जिसके अंदर लोगों को सब्सिडी भी मिलेगी 50%, इसका बहुत फायदा मिलेगा और हमारे किसान को, गरीब किसान को भी फायदा मिलेगा, जो वो नहीं कर पाते थे पहले, जो उनके पास तकनीक नहीं थी उसको, उसका भी उनको सुचारू रूप से चलाने का। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़।
हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।